हाय गाइस, इसमें आप पढ़ रहे हैं क्लास कौन सा, 2 बाई एम एम, ऑर्थोरोमिक सिस्टम की तीसरी क्लास है ये। हमने 2 क्लास पहले पढ़ चुके हैं, ये तीसरी क्लास लास्ट बची हुई है। इसको देख लेते हैं किस तरीके से होता है इसका। तो अब आपको ही समझ में आ गया होगा, बहुत देर से चिल्ला रहा हूँ मैं कि मैं सॉलिड क्यों नहीं बनाता, कभी मैं डॉटेड क्यों बनाता हूँ। अब मुझे बताइए, इसमें मुझे सॉलिड बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए, बिकॉज मैं देख रहा हूँ डायरेक्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर एक मिरर प्लान है, तो मैंने ये सॉलिड बना दिया। प्लस मुझे ये बताइए, जो मैं अभी खींचूंगा ये वाला प्लान, देखो यहाँ पर वर्टिकल में भी प्लान है, तो मैं इसको भी सॉलिड बनाऊंगा। ये वर्टिकल में भी डायरेक्ट एक्सिस के प्लान है एक ऐसे, और एक परपेंडिकुलर भी ऐसे। अभी आपकी समझ में आ जाएगा जब क्लियर हो जाएगा बन के। तो सबसे पहले आप 2 बनाएंगे। देखो आप स्टेप बाय स्टेप चलना है, चलेंगे तो आप बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपने ये बनाया 2, डायरेक्ट एक्सिस, मतलब ये डायरेक्ट एक्सिस बन के फ्री। अब हम क्या बनेंगे, 2 बाई एम। चलो साहब, 2 बाई एम के लिए करना क्या, मैंने क्या बताया, जैसे ही आप मिरर प्लेन लगाओगे, ये वाला है मिरर प्लेन, ये मिरर प्लेन लगाओगे तो अपर वाली हेमिस्फीयर की जो फेज है वो लोअर हेमिस्फीयर में पहुंच जाएंगे बस। तो ये क्या बन जाएगा, ये मैंने अभी बताया था 2 बाई एम। वैसे क्या था अभी बताया, प्रिज्मेटिक क्लास के अंदर यही तो बनाया था ना मेरे मोनोक्लिनिक में, ये बन गई 2 बाई एम। लेकिन अब हमें एम बनाना है, मतलब हमें एक मिरर प्लेन अब लगाना है इसके वर्टिकल। वर्टिकल कैसे लगाते हैं वो देखो, अपने 2 बाई एम लगाया तो मैंने वर्टिकल ऐसे लगा दिया, मैंने वर्टिकल ऐसे लगा दिया, तो ये वाला है इसका रिफ्लेक्शन इधर बनेगा और ये वाला इसका रिफ्लेक्शन इधर बनेगा। आपके पास मिरर है तो आप लगा के देख लीजिए, बन जाता है। तो ये देखो, ये मैंने लगा दिया, ये वाला एम है, इसको मैंने मान लिया, तो ये हो गया इसका रिफ्लेक्शन इधर, इसका रिफ्लेक्शन इधर। अब इसको भी मिरर प्लेन मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप मिरर प्लेन मान सकते हो। तो इसको कैसे, आपने ऐसे में लगा दिया, ठीक है, तो इन दोनों का रिफ्लेक्शन उधर, इन दोनों का रिफ्लेक्शन उधर, देखो ये इसका, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन हो गया। तो आप इसको भी मिरर प्लेन, तो यहाँ पर कितने मिरर प्लेन हो गए भैया, यहाँ पर हो गए आपकी 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। एक तो हॉरिजेंटल है ये वाला, और 2 वर्टिकल है, ठीक है। जैसे आप सिमेट्री के फॉर्म में लिखना चाहो, जैसे सिमेट्री लिखना चाहोगे उसके, तो 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गए, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री। उनमें से एक तो हॉरिजेंटल है जो कि डायरेक्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और 2 डायरेक्ट एक्सिस के साथ में ऐसे, ये डायरेक्ट एक्सिस है और ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर अभी हम एक चीज़ और बता सकते हैं, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री हुए, साथ में यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। यहाँ पर देखो, क्योंकि आपका ऊपर फेज है, नीचे भी फेज है दोनों साइडों में। जैसे इसकी जनरल फॉर्म अभी बनाएंगे तो अभी समझ में आ जाएगा किस तरह से यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो इसकी जनरल फॉर्म देखो, मैं ट्राई करता हूँ जनरल फॉर्म बनाने की, ये ऐसे बनाओ, फिर उसके बाद ये, अरे भाई साहब किधर जा रही है लाइन, इधर ये देखो, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे, उसके बाद ये बनाया, देखो थोड़ा सा दिक्कत करेगी, इसको अपीयरेंस इस तरीके से देना है यहाँ पर। मुझे लगता है आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए कि 4 फेज तो ऊपर हैं, 1 2 3 4, 4 फेज ऊपर हैं, 4 फेज ही नीचे हैं, समझ जाइए। अभी मैंने जो आपको रोम्बिक पिरामिड बताया है ना, बिल्कुल उसका डबल, मतलब जो रोम्बिक पिरामिड है उसका नीचे पिरामिड एक और। जैसे ही मैंने कहाँ बताया था आपको रोम्बिक पिरामिड, अभी रोम्बिक पिरामिड मैंने बताया था, ये देखो, ये मैंने रोम्बिक पिरामिड बताया है। इस रोम्बिक पिरामिड का नीचे अगर मैं सेम टू सेम ऐसा पिरामिड बना दूँ तो ये बन जाएगा सब डाई पिरामिड, तभी तो उसको रोम्बिक डाई पिरामिड बोला है, रोम्बिक डाई पिरामिड, रोम्बिक डाई पिरामिड बोला है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, और आपका डायड एक्सिस भी है, ठीक है, डायड एक्सिस है अपने। तो ये क्या है, होलोसिमेट्रिक क्लास बन गई, ऑर्थोरोमिक सिस्टम की एक होलोसिमेट्रिक क्लास है। चलो जनरल फॉर्म क्या होगी, बाई पिरामिड होगी ना ये, तो इसका एग्जांपल क्या है वो देखो, ओलिविन। अभी मैंने आपको ओलिविनाइट बताया था 2-2 के अंदर, क्लास 2 बाई एम एम के अंदर बनाया था ओलिविन। ओलिविन है स्टेबनाइट, ओलिविन में भी कौन सा, फॉस्टेराइट, फॉस्टेराइट देख लेना, दूसरे वाले का कंफर्म कर लेना, स्टेबनाइट,
इसका दूसरा एग्जांपल स्टिबनाइट है, Sb2S3 का है, ठीक है। ये भी इस क्लास के अंदर ये क्रिस्टलाइज होता है। मोंटसिनाइट है, कोई दिक्कत नहीं, बस इतने एग्जांपल बहुत हैं, आप ध्यान रख लेना। बस आप ये किस तरीके से करते हैं स्टीरियो प्लॉट वो ध्यान दो। आप सबसे पहले आप टू बनाएंगे, टू बना दिया, टू बाई एम बना दिया, ये मिरर प्लेन लगा दिया, रिफ्लेक्शन करा दिया। मिरर प्लेन किस तरह तीनों कंसिडर किए वो आप समझ गए। ये मैंने इस वजह से किया, दूसरा मैंने इस वजह से किया, तीसरा इसके परपेंडिकुलर ऐसे ले लिया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है मैं सोचता हूँ। चलो ये ऑर्थोरोम्बिक क्लियर हो गया। अब हम अगला पढ़ेंगे ट्राइगोनल।